हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर 3, एडवांट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। ये जो मैं जिस बुक को रेफरेंस लेके चल रही हूँ और जिसमें से मैंने अपनी पीपीटीज बनाई हैं, वो बुक है स्पेक्ट्रम बाय राजीव एहर। तो आप वो बुक को ख़रीद सकते हैं। मुझे वो काफ़ी अच्छी पर्सनली लगी हिस्ट्री के लिए, उसमें से आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएगी। तो आप वो उसको ख़रीद के रख सकते हैं और मैं जैसे जैसे आपको पढ़ाती जाऊँगी, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने पीपीटी में कवर करके रखे हैं, तो आप अपने साथ उसमें टिक लगा सकते हैं। आपको अलग से कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप बनाते भी हैं अलग से नोट्स, तो मैंने बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हर एक टॉपिक के, मैंने वो सिर्फ इस पीपीटी में रखे हुए हैं। और मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्म में पूरी चैप्टर में क्या चल रहा है मैं आपको बता दी जाऊंगी, और साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जो है मैंने वो लिख के रखे हैं, तो आपको सब समझ में आ जाएगा एक बार में। तो अब मैं ये सोचती हूँ कि आपने जो मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है वो अपने साथ रख ली होगी खोल के, और हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपको पता होगा कि जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है, अगर आपने देखी हो अपनी बुक, तो उसमें जो सिर्फ एक सोर्सेज दिए हुए हैं कि आखिर कहाँ से हमें क्या चीज़ का सोर्सेज थी, और नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें सिर्फ व्यू पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हमने डिफरेंट व्यू से स्पेक्ट्रम को देखा हुआ है, तो हमें वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। हमारे लिए चैप्टर 3 से इंपॉर्टेंट है चीज़ें, क्योंकि उसमें से हमारी हिस्ट्री जो है हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बाकी फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और आपको समझ में आ जाएगा सिर्फ सोर्सेज वगैरह के बारे में दिया हुआ है। तो हम जब चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ पे, एडवांट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, तो हम इसमें क्या क्या देखेंगे कि यूरोपियंस जो थे वो इंडिया में कैसे आए, और उन्होंने फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग, ये चीज़ देखेंगे कि ट्रेडिंग करने के लिए आए थे और वो रूल कैसे करने लगते हैं, हम ये चीज़ भी देखेंगे। अब जैसा हम जब ये चीज़ पढ़ेंगे तो हमें थोड़ी सी मेडिवल हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। मेडिवल हिस्ट्री में हम देखेंगे कि आखिर हुआ क्या था, जिससे फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग की नौबत आ पाई, या क्या क्या प्रॉब्लम चल रही थी, तो हमें थोड़ा सा मेडिवल हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो देखेंगे आप, जब आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर इन द 17th सेंचुरी में क्या था कि जो रोमन एम्पायर था, मैं आगे जाके आपको जाके मैप के थ्रू समझाऊंगी, अभी आप सर समझिए। जो 17th सेंचुरी में रोमन एम्पायर था ना, द अरब्स हैव एस्टेब्लिश देयर डोमिनेशन इन इजिप्ट एंड पर्शिया। तो रोमन एम्पायर जो था उसका एक एरिया था, उस एरिया को वो एक्सपांड करने की सोच रहे थे। तो ये जो रेड कलर का एरिया है, ये सारा एरिया किसके अंदर आता है, ये रोमन एम्पायर के अंदर आता है 17th सेंचुरी में। तो रोमन एम्पायर ने क्या सोचा, उनको थोड़ा सा लालच आया, तो जैसा बोलते नहीं है लालच बुरी बला है, उन्होंने सोचा कि हम अपने आप को इधर से थोड़ा सा एक्सपांड कर लें। एक्सपांड करने के चक्कर में क्या होता है कि वो थोड़े से वीक पड़ जाते हैं, और उनका जो ये एरिया है इजिप्ट और पर्शिया का, वो उनके हाथ से चला जाता है। तो जितनी भी आपको रेड लाइन दिख रही है, ये कभी ना कभी रोमन एम्पायर के अंडर थी 17th सेंचुरी में, लेकिन जैसे ही वो इजिप्त की साइड से और अपना क्या सोचते हैं कि मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ अपना एरिया, उसके चक्कर में क्या होता है, अरब्स अटैक कर देते हैं और उनका वो एरिया ले लेते हैं, पर्शिया और इजिप्त का वो एरिया ले लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जो, जैसे मैंने आपको बताया कि 17th सेंचुरी में जो रोमन एम्पायर का जो इजिप्त वाला एरिया था, उसके ऊपर क्या अरब्स ने अटैक कर लिया और वो उनसे ले लिया। अब आप इस चैप्टर में देखेंगे कि जो भी खेल है सारा रेड सी रूट सिस्टम का खेल है। रेड सी रूट सिस्टम एक ऐसा सी रूट सिस्टम था जिसके थ्रू जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के साथ लिंक्ड थी। तो आप सोचेंगे कि यूरोपियन कंट्रीज़ को इंडिया के साथ लिंक होने को क्यों, क्या ज़रूरत थी? वो इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि जैसे हमारे यहाँ से सिल्क हो गए, स्पाइसेस हो गए, इन सब चीज़ों की काफ़ी डिमांड थी यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो ये एक डायरेक्ट लिंकिंग थी जहाँ से क्या है, ट्रेडिंग प्रॉपरली हो सके यूरोपियन कंट्रीज़ की इंडिया के साथ। बट जैसा आप देखेंगे जो रेड सी रूट सिस्टम है, तो जिसके पास इजिप्त रहेगा उसके पास क्या रहेगा, रेड सी रूट सिस्टम भी रहेगा। तो हम सारा खेल देखेंगे इसमें रेड सी रूट सिस्टम का है। तो हम देखेंगे जिसके पास अब ये जो इजिप्त का एरिया है वो किसके अंडर पे आ गया, अरब्स के अंडर पे आ गया। तो जो रेड सी रूट सिस्टम है वो किसके अंडर पे आ गया, अरब्स के अंदर में आ गया वो। तो एक इंटरमीडिएट एक हो गए इजिप्त और इंडिया के बीच में, जो थे क्या अरब्स थे, जो एक इंटरमीडिएट हो गए। तो क्या हुआ, इसकी वजह से जब जैसे इजिप्त का एरिया इनके हाथ से चला गया, रोमन एम्पायर के हाथ से चला गया, तो इसके वजह से जो डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन यूरोपियंस एंड इंडिया वाज डिक्लाइन। तो जो डायरेक्ट कांटेक्ट था इंडिया और यूरोप का, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होने लगा। क्यों? क्योंकि जो इनके बीच में अरब्स आ गए थे, इंडिया और यूरोप के बीच में अरब्स आ गए थे, उन्होंने अपना डोमिनेशन कर लिया था इजिप्ट में। तो वो जो भी चीज़ें बेचते थे, या वो जो भी चीज़ें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता था उधर पे, जो भी चीज़ें इंडिया से लेके जानी है यूरोपियन कंट्री में, तो वो क्या होता, एक इंटरमीडिएट के थ्रू होता था। तो इंटरमीडिएट थे तो वो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू भी उससे कमाते थे। तो यूरोपियन कंट्रीज़ को ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी।
तो वही डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन यूरोपियंस एंड इंडिया वॉज डिक्लाइन। तो जो भी चीज़ें होनी है वो एक इंटरमीडिएट के थ्रू होनी है। इंटरमीडिएट मतलब एक बीच में कोई एक इंसान है जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करने दे पा रहा है। इंटरमीडिएट मतलब बीच में एक इंसान प्रेजेंट है। सिमिलरली इसमें भी अरब्स जो हैं वो बीच में प्रेजेंट थे, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहा था, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में डिक्लाइन होने लगा था। ड्यू टू विच स्पाइसेस हो गए, सिल्क, वेरियस प्रीशियस स्टोन दैट आर जनरल इन डिमांड वॉज अफेक्टेड। जो भी जैसे स्पाइसेस हो गया, इंडिया का काफ़ी ज़्यादा फेमस थे यूरोपियन कंट्री में, सिल्क हो गया, वेरियस प्रीशियस स्टोन थे, ये काफ़ी ज़्यादा क्या डिमांड में थे। कहाँ पर डिमांड में थे? यूरोपियन कंट्रीज़ में ये सारी चीज़ें डिमांड में थी। तो ये क्या था कि जैसे इंटरमीडिएट आ गए तो वो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्या सप्लाई धीरे धीरे से कम होने लगी। तो ये जैसे मैंने आपको बताया जो भी एरिया था इसके अंदर, ये जो रेड एरिया है ये कभी ना कभी रोमन एम्पायर रूल किया करते थे, लेकिन जैसे उनने इजिप्ट की साइड पे एक्सपांड करने का सोचा, अरब्स ने उन पे अटैक कर लिया और क्या किया, इजिप्ट वाला एरिया उनसे ले लिया और रेड सी रूट सिस्टम भी उनसे ले लिया। अब जैसा आप मैप में देख रहे होंगे तो जो ये वाला एरिया है ये है रेड सी रूट सिस्टम। अब रेड सी रूट सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वाला एरिया तो क्या था, अरब्स के अंदर था। ये वाला एरिया जो मैंने अभी रेड रेड मार्क किया है, ये वाला एरिया था किसके अंदर? रोमन एम्पायर के अंदर था। ये आ गया किसके? अरब्स के अंडर पे आ गया। अब जो भी चीज़ें होनी है वो एक अरब्स के मतलब इंटरमीडिएट के थ्रू होनी है। तो इनको जब भी क्या है कि ये रेड सी रूट सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट था, रेड सी रूट सिस्टम से जो भी चीज़ें होके आएंगी वो इंडिया से कनेक्ट होता था। रेड सी रूट सिस्टम के थ्रू इंडिया से नहीं बाकी जगहों से भी आराम से कनेक्टिविटी प्रोवाइड थी, लेकिन जैसे ये इनके हाथ से चला गया तो इनकी कनेक्टिविटी धीरे धीरे करके डिक्लाइन होने लगी। तो जो ये वाला एरिया है ना, ये है रेड सी रूट सिस्टम। इस मैप में आप और अच्छे से देख पा रहे होंगे रेड सी रूट सिस्टम, ये जो है मार्क किया गया है कि ये जो है डिफरेंट एरिया में रेड सी रूट सिस्टम से जो है डिफरेंट कनेक्टिविटी हमारे पास प्रेजेंट थी, डिफरेंट जगह पे आराम से जा सकते थे यूरोपियन कंट्रीज, लेकिन इनके हाथ से ये चीज़ निकल गई। अब हम देखेंगे कि जैसे ही डिक्लाइन होता है रोमन, जैसे ही वो चीज़ चली जाती है इनके हाथ से, वो रेड सी रूट सिस्टम इनके हाथ से चला जाता है, तो इंटरमीडिएट जो अरब्स थे वो क्या करते थे कि वो हर चीज़ जो भी उनको बेचना है, हर चीज़ जो इंडिया से वो बेचते थे उस पर वो काफ़ी ज़्यादा हाई टैक्स लगाते थे, हाई दाम लेते थे, मतलब ट्रमेंडस रेवेन्यू वो कमाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी चीज़ 10 रुपये की है तो वो क्या करते थे, वो चीज़ जो है 10 रुपये की चीज़ को वो 100 रुपये में बेचते थे, ठीक है। द लैंड, अब आप सोचेंगे चलो ठीक है सी रूट तो चलो इनके पास से चला गया, जैसा आप देखेंगे, चलो आप सोचेंगे कि ये जो रेड वाला एरिया मार्क है, रेड सी रूट सिस्टम, ये इनके हाथ से चला गया, लेकिन जो लैंड वाला एरिया है इधर से भी तो कहीं से कुछ करके जा सकते थे ये लोग इंडिया, इधर से भी तो कनेक्टिविटी हो सकती थी। आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन कनेक्टिविटी उधर से क्यों पॉसिबल नहीं हो पाई? क्योंकि धीरे धीरे करके हम देखेंगे कि जो अरब्स थे वो काफ़ी स्ट्रांग होने लगे और उनने लैंड पे भी जो है, लैंड वाले जो रूट का एरिया था उस पे भी उनने कब्जा कर लिया। तो लैंड और सी वाला दोनों जो रूट थे वो दोनों इनके अंडर में आ गए और इसलिए कनेक्टिविटी और डिक्लाइन होने लगी। तो ये ट्रेमेंडस रेवेन्यू अर्न करते थे, ट्रेमेंडस रेवेन्यू अर्न करते थे, तो ये चीज़ यूरोपियन कंट्रीज को पता थी कि यार ये इंटरमीडिएट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई दाम ले रहे हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं था यार कि कैसे ना कैसे भी करके यार हमें जो है इंडिया को नया सी रूट सिस्टम फाइंड करना पड़ेगा, या हमें कोई एक ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे हम डायरेक्ट इंडिया के कॉन्टैक्ट में हो पाए। तो ये कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज़ के दिमाग में था ये बात कि हमें कैसे भी करके इन इंटरमीडिएट को हटाना है, इनको हराना है, हमें इनको हटाना है जिससे हमें जो है कोई भी अगर हमें सामान चाहिए तो हमें इनके थ्रू तो चीज़ें नहीं लेनी पड़े कम से कम, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू ये अर्न कर रहे थे चीज़ों के ऊपर। तो क्या था, सेम टाइम में हम देखेंगे 15th सेंचुरी पे हम देखेंगे जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनके अंदर जो है रेनेसा की भावना भी कहीं ना कहीं आ रही थी, रेनेसा की भावना, क्वेश्चन करने की भावना उनके अंदर आ रही थी। एट द सेम टाइम यूरोपियन मेड ग्रेट एडवांस इन द शिप आर्ट ऑफ द शिप बिल्डिंग। क्या था कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी क्या था कि वो काफ़ी ज़्यादा आगे शिप बिल्डिंग में भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही थी। शिप बिल्डिंग जो है आप आगे देखेंगे, शिप बिल्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है इसकी वजह से जो है ये क्या है कि बहुत अच्छे तरीके से जो है एक नया सी रूट सिस्टम फाइंड करते और इंडिया पहुँचते, वो भी इनकी सिर्फ एक ताकत की वजह से थी, वो भी शिप बिल्डिंग। इतने अच्छे थे ये शिप बिल्डिंग में कि कोई भी इनको शिप बिल्डिंग में मात नहीं दे पाया, जो कि हम आगे देखेंगे। तो शिप बिल्डिंग में ये काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे थे।
अब क्या है कि इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा था। वो क्यों? क्योंकि ये एग्रीकल्चर में जो है नई नई टेक्निक्स आगे लेके आ रहे थे, न्यू टेक्निक्स। जैसे ये क्या कर रहे थे, क्रॉप रोटेशन हो गया, इम्प्रूव प्लगिंग इम्प्रूव कर रहे थे, साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट कर रहे थे, क्रॉप रोटेशन कर रहे थे, इनक्रीज सप्लाई क्रॉप मैनेजमेंट कर रहे थे, ये सारी चीज़ें ये आगे कर रहे थे, जिससे की वजह से क्या है इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा था। तो वेनिस और जनोवा में जो है ओरिएंटल गुड का है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्या चल रहा था, व्यापार चलता था। लेकिन जैसे इंटरमीडिएट आ गए तो इसमें क्या हो गया, धीरे धीरे करके ये डिक्लाइन होने लगा। देयर कनेक्शन वॉज लॉस्ट विथ एशिया ड्यू टू अरब्स। ठीक है, तो वेनिस और जनोवा जो थे इनका क्या है कि इनका जो कनेक्शन था वो कहाँ क्या हो गया, वो एशिया के साथ धीरे धीरे करके लूज होने लगा। अब हम देखते हैं साथ में ही पोर्तुगीज और स्पेन जो है वेयर इमर्जिंग। पोर्तुगीज और इमेज क्या है, उभर रहे थे, दो नए शहर उभर रहे थे। द नॉर्दर्न यूरोपियन वेयर रेडी टू एड दी पोर्तुगल एंड स्पेन विथ मनी मैन शिप एंड टेक्निकल नॉलेज। इन्होंने क्या कहा कि जो नॉर्दर्न पार्ट था यूरोप का, उन्होंने कहा पोर्तुगीज और स्पेन से कि आपको जो भी चाहिए, आपको काम, आपको जो है पैसा चाहिए है, हम आपको पैसा देंगे, आपको मैन चाहिए काम करने के लिए हम आपको वो भी देंगे, शिप चाहिए हम आपको शिप देंगे, कोई भी टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, टेक्निकल नॉलेज चाहिए हम आपको वो भी देंगे, बस आपको एक काम करना है, वो ये काम करना है, कैसे भी करके आप जो है इंडिया जाने का एक नया रूट सिस्टम फाइंड कर लो, एक नया रास्ता फाइंड कर लो। इन्होंने पोर्तुगीज और स्पेन से सिर्फ ये कहा। अब आपके जो बुक में है दो नए शब्द निकल रहे होंगे, एक है क्रिश्चियन डोमेन और एक है जनोइस। क्रिश्चियन डोमेन का मतलब क्या होता है, सोसाइटी ऑफ क्रिश्चियन। सोसाइटी ऑफ क्रिश्चियन मतलब जहाँ पे मेजोरिटी में क्रिश्चियन हो उसको हम सोसाइटी ऑफ क्रिश्चियन देखते हैं, मेजोरिटी में हो। हम आगे जाके ये भी देखेंगे कि आप जो है इस्लाम और क्रिश्चियन का एक हम देखेंगे कि वर्सेस होगा, इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियन, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी होगी। क्यों होगी, अब आप सोचेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज़ को तो गुस्सा आ ही रहा था कि जो ये लोग बीच में बैठे हैं, ये लोग तो इतना रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात थी, उनकी कुछ अपनी प्लानिंग भी चल रही थी इनको हराने की, एक नए सी रूट सिस्टम फाइंड करने की। तो आप आगे देखेंगे, जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे क्रिश्चियन वर्सेस इस्लाम भी आगे हमें देखने के लिए मिलेगा। तो जो आप देखेंगे ना आगे जाके, मैं अभी आपको बताऊंगी, फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग में, जैसे वास्को दी गामा आएंगे अभी ट्रेडिंग टू रूलिंग में हम आगे बढ़ेंगे, तो जो लोग आ रहे थे ना ट्रेड करने के लिए, जैसे जैसे लोग आते जा रहे थे हम इंडिया में, तो उनको अच्छे से इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि आपको पोर्तुगीज की सिर्फ ना कि सिर्फ आपको जो है पॉलिटिकली स्ट्रांग बनना है, बल्कि आपको अपना जो धर्म है वो भी अच्छे से प्रचार करना है। तो हम आगे वो भी देखेंगे, तो उसके वजह से हम कहीं ना कहीं कहेंगे कि इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी देखने को मिलेगा। अब हम देखेंगे कि प्रिंस हेनरी जो थे, प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर भी बोला जाता था। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पोर्तुगीज और स्पेन के लिए जो है नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज जो थी अपना हर चीज़ दे रही थी कि आप जो भी चीज़ चाहिए आप हमसे ले लीजिए, बट एक नया सी रूट सिस्टम फाइंड कर लीजिए। तो उसमें से क्या है कि पोर्तुगीज के एक प्रिंस हेनरी थे, प्रिंस हेनरी काफ़ी ज़्यादा डेस्पिरेट थे हम कह सकते हैं इंडिया का नया रूट सिस्टम फाइंड करने के लिए। इनको निकनेम में द नेविगेटर भी बोला जाता है, मैंने लिख के भी रखा है द नेविगेटर। ही टुक द लीडरशिप, इन्होंने एक लीडरशिप ली, इन्होंने कहा कि मैं जो है ढूंढूंगा कि कहाँ एक नया सी रूट सिस्टम इंडिया का ढूंढूंगा कि एक नया सी रूट सिस्टम की वजह से हम ट्रेडिंग नया कर पाए। इनके पास जो है इनका काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देख के, इनका एक्साइटमेंट देख के, इनका उत्साह देख के जो है जो पॉप निकोलस फाइव थे, पॉप निकोलस फाइव ने गिव प्रिंस हेनरी अबुल इन 1454, बिल लिख दिया मैंने, बुल था वो हेनरी अबुल इन 1454 में इनको एक बुल दिया। अब आप सोचेंगे बुल क्यों दिया, पॉप निकोलस ने अपना फाइव ने बुल इसलिए दिया कि इनको एक तरीके से बताने के लिए कि हाँ हम आपके साथ हैं, आप जाके नया सीवर सिस्टम फाइंड करिए। अब आप सोचेंगे कि पॉप निकोलस फाइव कौन थे जिन्होंने जो है इनको बुल दिया और जो है इनको बताया, इनको परमिशन दी कि हाँ आप जा सकते हैं और जो है आप जाके नया सी रूट सिस्टम फाइंड कर सकते हैं। पॉप निकोलस फाइव जो थे ये क्रिश्चियन धर्म के प्रचारक थे, इनको लोग काफ़ी मानते थे। तो सिमिलरली जैसे पॉप निकोलस फाइव ने उनको कहा कि प्रिंस हेनरी को हाँ आप जाइए, आपके लिए मैं परमिशन देता हूँ, आप जाके जो है नया सी रूट सिस्टम फाइंड कर सकते, तो तुरंत प्रिंस हेनरी ने वो बात मान ली। और प्रिंस हेनरी भी काफ़ी ज़्यादा डेस्पिरेट थे ये काम करने में, प्रिंस हेनरी को भी काफी ज्यादा इस काम करने में काफी ज्यादा लगन थी उनको, बट
बट प्रिंस हेनरी डाइड बिफोर हिज ड्रीम कम ट्रू, लेकिन उनका ये जो है ड्रीम जो है ये ड्रीम ही रह गया क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गए थे। अब हम देखेंगे ये चीज़ के क्या है कि जो प्रिंस हेनरी थे, प्रिंस हेनरी ख़त्म होने के बाद कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं आया जो प्रिंस हेनरी जैसा मोटिवेटेड हो, उसको काफ़ी इंटरेस्ट हो ये चीज़ करने में और वो बहुत ज़्यादा उत्साह हो उसके अंदर, ऐसा कोई भी इंसान नहीं आया था। काफ़ी काफ़ी लंबे समय बीतने के बाद भी कोई भी ऐसा इंसान नहीं आया था जो नया सी रूट सिस्टम फाइंड करने में हेल्प कर पाए। तो फिर होती है 1497 में अनदर ट्रीटी ऑफ टोरेडेसियास। टोरेडेसियास की जो ट्रीटी थी उस ट्रीटी में क्या कहा, पोर्तुगीज तो था और स्पेन था, उन दोनों ने अपना जो है डिवीज़न कर लिया, डिवीज़न डिवाइडेड द नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड बिटवीन देम बाय इमेजिनरी लाइन इन द एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका से उन्होंने एक इमेजिनरी लाइन खींची, फॉर एग्जांपल एंटार्क्टिका है उसमें से उन्होंने एक ऐसी इमेजिनरी लाइन खींच दी। अब आप ये मत, उसमें हम नहीं जाते हैं कि कहाँ से उन्होंने लाइन खींची और कैसा उन्होंने एरिया डिवाइड किया, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि उन जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने एक एंटार्क्टिका से उन्होंने एक अपनी इमेजिनरी लाइन खींची। उन्होंने अपनी इमेजिनरी लाइन क्यों खींची, क्योंकि वो ट्रेडिंग डिवाइड करने के लिए कि स्पेन कहाँ ट्रेड करेगा और पोर्तुगी कहाँ स्पेन करेगा, जिससे जाके आगे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, अपना अपना प्रॉपर तरीके से जिसको जहाँ पे ट्रेड एरिया दिया गया है वो उधर पे अपना अपना ट्रेडिंग करेगा और अपने पैसे कमाएगा। तो पोर्तुगी और स्पेन ने अपना जो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड था, अब आप सोचेंगे नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड क्यों कहा है, जो भी एरिया डिवाइड किया गया तो हर तो एरिया, जैसे जो भी एरिया था ईस्ट में जो एरिया प्रेजेंट था वो पूरा तो क्रिश्चियन नहीं था, वेस्ट में जो एरिया था तो पूरा एरिया तो क्रिश्चियन था नहीं जो भी एंटार्क्टिका से लाइन डिवाइड की गई, तो इसलिए उसको हम नॉन क्रिश्चियन बोलते हैं, क्योंकि जो भी एरिया डिवाइड किया गया वो पूरा क्रिश्चियन नहीं था, नॉन क्रिश्चियन एरिया थे वो, इसलिए इसको हम नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड बोलते हैं। क्योंकि वर्ल्ड में तो जो है क्रिश्चियन तो अकेले थे नहीं, हम इंडिया में दूसरे लोग भी रहते थे, तो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को उन्होंने ऐसा डिवाइड कर लिया। तो पोर्तुगी को तो था ईस्ट ऑफ लाइन मिली, मतलब जब लाइन खींची तो पोर्तुगी को ईस्ट वाला एरिया दे दिया, पोर्तुगी को ईस्ट वाला एरिया दे दिया और स्पेन ने वेस्ट वाला एरिया रख लिया। तो अब ये चीज़ जिम्मेदारी पोर्तुगी के ऊपर और आ गई कि अब हमें ईस्ट वाले एरिया में जो है कैसे भी करके यार अब हमें तो जो है इंडिया का नया सी रूट सिस्टम फाइंड करना पड़ेगा कैसे भी करके। उनके ऊपर एक जिम्मेदारी भी आ गई क्योंकि उनको ईस्ट साइड पर ट्रेड करना था और ईस्ट साइड पर ये चीज़ें आ रही थी, तो उन्होंने जो है फिर कोशिश की। फिर तो हम एक पोर्तुगी के नेविगेटर देखते हैं 1487 में, 1487 में ब्रेथोलोमियो दियास राउंडेड द केप ऑफ गुड इन अफ्रीका। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जो है शिप चलाया और शिप चलाते चलाते जो है कहीं अफ्रीका में ये आ गए। ठीक है, कहीं अफ्रीका में आ गए तो इन्होंने ये बोला कि नहीं मैंने इंडिया को मैं इंडिया पहुंच गया, बट वो इंडिया पहुंचे नहीं थे, बट कहीं ना कहीं उनके लिए एक आइडिया लग गया था कि मुझे कैसे करके ये जो है इतना बड़ा सी रूट सिस्टम को क्या करना है, पार करना है और आगे बढ़ना है। और फिर हम देखते हैं, देखते ही देखते 1497 में सक्सेसफुली लैंड इन इंडिया इन लेस देन 11 मंथ इन मे 1498। अब फिर उसके बाद क्या है, ब्रेथोलोमियो दियास के बाद जो है 1497 में जो है पोर्तुगी के लिए एक जीत हासिल कह सकते हैं, उनने एक जो नया जो सी रूट सिस्टम फाइंड कर लिया और इंडिया आ गए। तो 1497 में जो शिप आई थी, जो लैंडेड हुई थी इंडिया में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितनी भी पहले उसके शिप्स आई थी उन्होंने उसको स्टडी किया कि आखिर वो कहाँ फेल हुई हैं, कहाँ पे उनने लैंड किया है, तो उनने उनके जो वीकनेसेस को देखा, उनकी स्ट्रेंथ को देखा, पूरा एनालाइज किया और फिर जो है उनने अपनी स्ट्रेटजी बनाई और फिर जाके इंडिया वो आ पाए। जैसे आप अपने एग्जाम में करते हैं, आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हैं कि आखिर टॉपर क्या कह रहा है, उन्होंने क्या गलती की थी जो मुझे नहीं करनी है, उनकी क्या स्ट्रेंथ थी जो मैं अपनी स्ट्रेंथ बना सकता हूँ। सिमिलरली जितने भी पहले शिप्स गए हुए थे तो उनकी चीज़ों को पढ़ के, उनकी स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेसेस को देख के जो 1497 में जो शिप गई थी वो क्या हो गई, सक्सेसफुल हो गई इस काम में और लेस देन 11 मंथ में वो क्या है, इंडिया पहुँच गई। अब आप जो है नया चीज़ देख रहे होंगे फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग। फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग में क्या है, वास्को दी गामा द लेजेंड आते हैं, ही वॉज अ फर्स्ट वन जो इंडिया आता है, प्रॉपर सक्सेसफुली लैंड कर पाते हैं जो इंडिया में आके, और जो है ये पूरी हिस्ट्री चेंज कर देते हैं क्योंकि इनको जो है नया सी रूट सिस्टम फाइंड कर पाते हैं। अब आप जैसा टॉपिक में देख रहे होंगे फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग, ट्रेडिंग टू रूलिंग का मतलब क्या है इस टॉपिक का, ये करने तो पोर्तुगी आए थे ट्रेड,
लेकिन देखते ही देखते ये क्या करने लगते हैं, रूल करने लगते हैं। तो हम ये देखेंगे फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग की क्या कहानी थी, कैसे इन्होंने अपने आप को और स्ट्रॉन्ग किया इंडिया में, कैसे इन्होंने अरब्स का धीरे धीरे करके पत्ता काटना शुरू किया, हम वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। तो वास्को दी गामा के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। वास्को दी गामा आए इंडिया, तो ही वॉज द फर्स्ट वन जो इंडिया आए। ये अपने 3 ship के साथ आए थे, ही अराइव्ड विथ 3 ships के साथ ही अराइव किए थे, लीड बाय द गुजरात पायलट नेम अब्दुल माजिद। इनको जो किसने लीड किया था, अब्दुल माजिद जो गुजरात पायलट था उन्होंने लीड किया था एट कैलीकट इन मे 1498 में ये आ गए। फिर वास्को दी गामा स्टेड इन इंडिया फॉर 3 months। वास्को दी गामा जो है 3 साल तक इंडिया में रहे, सॉरी वास्को दी गामा जो है वो 3 महीने तक इंडिया में रहे। अब जो वास्को दी गामा आए थे तो उधर के जो रूलर थे, जो जिनका नाम क्या था, जैमोरिन जो थे कैलीकट के क्या थे, रूलर थे, उनको ये चीज़ कहीं ना कहीं पसंद नहीं आई कि अरे वास्को दी गामा क्यों आए हैं। जैमोरिन भी लालची थे और वास्को दी गामा भी अपने लालच की वजह से आए थे। तो जैमोरिन को लगा कि जब ये आए हैं वास्को दी गामा यूरोप कंट्री से, तो ज़रूर हमारे लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लेके आए होंगे, क्योंकि उस टाइम पे जो है गिफ्ट वगैरह की प्रथा, ये सारी चीज़ें काफ़ी चलती थी। तो जैमोरिन को लगा कि यार ये तो काफ़ी चीज़ें लेके आए थे, ये एक हिंदू रूलर थे, तो इनको लगा कुछ ना कुछ तो अच्छा सामान लेके आए होंगे। तो वास्को दी गामा इतना कुछ सामान लेके नहीं आए थे, तो जैमोरिन को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, और जैमोरिन भी लालची था और वास्को दी गामा भी अपने अपने प्रॉफिट के लिए ही इधर पे आए थे। तो इन दोनों की ज़्यादा बनी नहीं, वास्को दी गामा और जैमोरिन की ज़्यादा दिनों तक बनी नहीं। फिर जैमोरिन फिर जो है वास्को दी गामा चले गए 3 महीनों बाद। वास्को दी गामा स्टेड इन इंडिया फॉर 3 months। 3 months तक ही रहे, 3 महीने तक इसलिए रहे क्योंकि उनको इधर का वेदर सूट कर नहीं रहा था, इतना कुछ इतना सामान लेके नहीं आए थे, उतनी तैयारी के साथ नहीं आए थे कि हम इतने दिनों तक इंडिया रहना पड़ेगा। जैमोरिन उनकी भी इतनी नहीं बन रही थी, तो इन्होंने सोचा कि जितना भी मैं सामान खरीद पाता हूँ उतना खरीद के कार्गो वगैरह स्पाइसेस जो भी चीज़ें थी इन्होंने अपने खरीदी इंडिया से, अपने शिप में इन्होंने लोड की और जाके यूरोपियन कंट्रीज़ में इन्होंने बेची। जब इन्होंने यूरोपियन कंट्री में जाके सारी चीज़ें बेची, इनने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। तो बाकी मर्चेंट्स थे, उन्होंने भी ये चीज़ देखी कि यार इंडिया जाके जब ये वापस आए हैं इधर पे यूरोपियन कंट्रीज में इतना सामान बेच रहे हैं, ये तो काफ़ी पैसे अर्न कर रहे हैं। ही अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स ड्यू टू विच अदर प्रॉफिट सीकिंग मर्चेंट्स ऑफ यूरोपियन नेशन वेयर टेम्पटेड टू कम टू इंडिया एंटर इट डायरेक्टली। इस चीज़ को देख के और भी लोग जागरूक होगा कि नहीं यार अब तो जो है वास्को दी गामा गए हैं, इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो अब हमें भी जाना है और हमें भी ट्रेडिंग करनी है। अब जो है आप सोचेंगे इतना प्रॉफिट क्यों कमा रहे थे, ये इतना प्रॉफिट इसलिए कमाया इन लोगों ने कि जैसा पता था कि अभी इंटरमीडिएट प्रेजेंट थे, यूरोप और इंडिया के बीच में इंटरमीडिएट प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं हो पा रही थी। तो यूरोपियन कंट्रीज़ को जो भी खरीदना था वो इनके मुंह बोले दामों पे उनको देना पड़ रहा था। कि अगर मान लो एरेज ने बोला कि भले ही वो 10 रुपये की पेंसिल है, उनने बोला कि हम तुम्हें 100 रुपये की देंगे, तो यूरोपियन कंट्री को वो 100 रुपये की लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास और कोई चारा ही नहीं है, वो जा ही नहीं सकते, उनके पास कोई रूट था ही नहीं। लेकिन अब जो है उनके पास रूट आ गया, तो अगर वो वही पेंसिल इंडिया से डायरेक्ट लेके जाके उधर पे वही पेंसिल अगर वो 20 रुपये में भी बेचेंगे, 30 रुपये में भी बेचेंगे, तो भी क्या है उन लोग के लिए काफ़ी प्रॉफिट रहेगा यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि पहले तो उन्हें 100 रुपये की मिल रही थी, अब वही चीज़ उन्हें 30 रुपये की मिल रही है, तो उन्हें प्रॉफिट मिल रहा था। मैं सर जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ आपके लिए। तो जो है जितने भी मर्चेंट्स थे उन्होंने भी ये चीज़ देखी, यार काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है, यूरोपियन कंट्रीज़ को भी इसमें प्रॉफिट मिला कि उनको ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ रहे थे। अब तो लोग अब डायरेक्ट ट्रेडिंग के चक्कर अब लोग डायरेक्ट ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए और जाने के लिए सोचने लगे। तो वास्को दी गामा जैसे हैं आते, वास्को दी गामा के बाद फिर कौन आते हैं, पेड्रो अल्वेरेस कैब्राल नेक्स्ट आते हैं। ये किसके लिए आते हैं, ट्रेडिंग फॉर स्पाइसेस के लिए आते हैं। ये किस चीज़ के लिए आते हैं, ट्रेडिंग फॉर स्पाइसेस के लिए आते हैं। ही नेगोशिएटेड एंड एस्टेब्लिश द फैक्ट्री एट कैली। वास्को दी गामा और जैमोरिन थे, उनकी इतनी बन नहीं रही थी, ठीक है, इसलिए जैसा मैंने आपको बताया वो चले गए थे। तो लेकिन वास्को दी गामा ने कहा था जैमोरिन से कि आप जो है मुझे इधर पे एक लोकल फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट कर लेने दीजिए। लेकिन वास्को दी गामा को उसको इसकी परमिशन नहीं मिलती है, क्योंकि जो अरब्स थे उनकी काफ़ी अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन थे जैमोरिन के साथ। तो
अरेब्स नहीं चाहते थे कि जो है पोर्तुगी के लोग इधर पे आके अपना जो है ट्रेडिंग करें अच्छे तरीके से, इधर पे अपनी फैक्ट्री वैक्ट्री लगा पाए, तो इसलिए वास्को दी गामा को फिर परमिशन नहीं मिलती है। लेकिन जो पेड्रो अल्वेरस कैब्राल आते हैं, इनके दिमाग में ये चीज़ था कि मुझे तो कैसे भी करके अपना जो है पोर्तुगी की पोजिशन को स्ट्रॉन्ग करनी है, कैसे भी करके इधर पर फैक्ट्री का सेटलमेंट भी करना है। तो वो क्या करते हैं, लोकल रूलर तो जो थे जायमोरिन तो परमिशन देते नहीं, तो जो लोकल रूलर हैं उनको घूस वगैरह दे के जैसे वैसे करके उनके लिए क्या करते हैं वो, उधर पे जो है अपना एक फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट कर लेते हैं। ही नेगोशिएटेड एंड एस्टेब्लिश फैक्ट्री एट कैलिकत, वो नेगोशिएट करते हैं और अपने फैक्ट्री को एस्टेब्लिशमेंट कर लेते उधर पे, ठीक है। फिर क्या होता है कि द फैक्ट्री वॉज अटैक्ड बाई दी लोकल पीपल। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी पीपीटी में जो मैं आपकी सुधारती जा रही हूँ साथ साथ में, अब मुझे इतनी सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं तो थोड़ी बहुत मिस्टेक तो हो ही जाती है। तो द फैक्ट्री वॉज अटैक्ड बाई दी लोकल पीपल। अब लोकल लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी कि दूसरे देश का इंसान जो है पोर्तुगी का वो इधर पे आके रह रहा है, इधर पे आके जो है अपना फैक्ट्री का सेटलमेंट भी कर लिया है, तो लोकल लोग थे जो उनके ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन पेड्रो अल्वेरस कैब्राल थे वो इतने वीक नहीं थे, वो प्रॉपर तरीके से अपनी सेना लेके आए थे, वो अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आए थे। तो वो वापस क्या करते हैं, फाइट बैक करते हैं और वो जीत जाते हैं और उधर पे अपनी जो पोर्तुगी की जो पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। फिर से जो है वास्को दी गामा आते हैं, तो पहले वास्को दी गामा आए, फिर पेड्रो अल्वेरस कैब्रा आए और फिर तीसरी बार फिर से वास्को दी गामा आते हैं। अब वास्को दी गामा जो है तीसरी बार क्यों आए, अब शेर के मुंह में एक बार खून लग गया है, तो वो जब एक बार उनको इतने अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया है तो वो अब बैठेंगे तो है नहीं कि यार ठीक है चलो एक बार कमा लिया तो हो गया, तो वो फिर से आते हैं। इस बार जो है वो अपना जो उनकी वीकनेसेस थी उस पर काम करके आते हैं और वो क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर तरीके से सोच के आते हैं कि मुझे जो है पोर्तुगी का इधर पे जो है अच्छे से और अच्छे से एस्टेब्लिशमेंट करना है, जो भी पहले मैं नहीं कर पाया मुझे अब करना है। तो वास्को दी गामा वंस अगेन कम इंडिया एट 501 में आए, 1501 में वास्को दी गामा फिर से आए। तो अब जो वास्को दी गामा भी आते, इनको भी अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट करना था और जो पेड्रो अल्वेस कैब्राल थे उनने भी कहीं ना कहीं पोर्तुगी की पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर ली थी, कहीं ना कहीं अपने कॉन्टैक्ट बना लिए थे। तो जैसे ही वास्को दी गामा आते हैं तो वो भी सेम चीज़ करते हैं, वो भी लोकल रूलर से अपना बात बात करते हैं, उनको घूस वगैरह देते हैं और वो अपनी फैक्ट्री का सेटलमेंट कर लेते हैं एट कहाँ कर लेते हैं, कन्नौर पे कर लेते हैं, CANNORE कन्नौर पे वो क्या कर लेते हैं, अपना सेटलमेंट कर लेते हैं। ग्रेजुअली फिर क्या करते हैं, कैलिकट में हो गया, कन्नौर में हो गया एंड कोचिन बिकम द इम्पोर्टेंट ट्रेड, और फिर ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनके इम्पोर्टेंट ट्रेड बन जाते हैं, इधर पे ये क्या है अपनी फैक्ट्री सेटलमेंट करने लगते हैं। अब धीरे धीरे ये ही देखते देखते जो है वास्को दी गामा को क्या है, फिर वो क्या कर लेते हैं, अब लोकल रूलर से ही बात बात करके वो क्या क्या होता है, उनको फोर्टिफिकेशन की परमिशन मिल जाती है। फोर्टिफिकेशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका सेटलमेंट इस एरिया में है, आपका सेटलमेंट इस एरिया में है, तो आप इसके आसपास जो है बड़ी बड़ी दीवारें बना लेंगे, बड़ी बड़ी दीवारें बना लेंगे, इसका मतलब क्या है कि अगर आपके ऊपर कोई भी अटैक करता है तो आप उससे बचे रहें। फोर्टिफिकेशन का डायरेक्ट मतलब क्या है कि हम कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं कि कोई हमारे ऊपर अटैक ना कर पाए, हम जो है अपनी पोजिशन को स्ट्रेंथ कर रहे हैं। तो ये जो फोर्टिफिकेशन का जो मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं जो है लड़ाई झगड़े का आगे होने वाली है कोई ना कोई चीज़, तो फोर्टिफिकेशन मतलब यही होता है जहाँ भी आप रह रहे हैं उसके अगल बगल जो है बड़ी बड़ी आप दीवारें बना लें। तो पहले तो वास्को दी गामा को फोर्टिफिकेशन की परमिशन नहीं मिली थी, जायमोरिन तो कभी भी परमिशन नहीं देते, बट लोकल रूलर ने परमिशन दे दी थी और उन्होंने अपने जो अपना जो सेटलमेंट था उसके अराउंड जो है उधर पर उन्होंने क्या कर दिया, फोर्टिफिकेशन कर दी। और जो जितने भी सेंटर पे उन्होंने जितने भी सेंटर थे उनके, जैसे कैलीकट था, कन्नौर हो गया और कोचिंग हो गया, इन एरिया में इनने अपना फोर्टिफिकेशन भी कर लिया। इसके बाद फिर क्या आते हैं, आफ्टर सम टाइम पोर्तुगी गॉट परमिशन टू फोर्टिफाई दिस सेंटर, उनको फिर ये जो सेंटर उन्होंने जहाँ पे उन्होंने अपना वास्को दी गामा में अपना फैक्ट्री सेटलमेंट किया था उधर पे ही वो क्या है क्या कर लेते हैं, अपना फोर्टिफिकेशन भी कर लेते हैं। उसके बाद क्या होना आते हैं, चौथा फिर से आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो थे, इनका कहना क्या था, हिज पॉलिसी वॉज नोन एज ब्लू वाटर पॉलिसी, इनकी जो पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी थी, इनकी पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी, तो आपको इसका नाम लेना है फ्रांसिस्को डी
अल्मेडा। अब इनको किसने अपॉइंट किया था, इनको जो किंग ऑफ पोर्तुगी थे उन्होंने इनको अपॉइंट किया था, और इन्होंने उनसे साफ शब्दों में कहा था कि आप जा रहे हैं तो आपको ना ही सिर्फ आपको पॉलिटिकली उधर पे स्ट्रांग बनना, आपको सिर्फ ना तो पॉलिटिकली और कॉमर्शियली स्ट्रांग बनना है, साथ में ही अपना जो है जो आपका जो धर्म है उसको भी आपको कहीं ना कहीं प्रचार करना है। तो आपको क्या करना है, पॉलिटिकली भी आपको आगे बढ़ना है, कॉमर्शियली भी आपको आगे बढ़ना है, और साथ में क्या है अपना धर्म को जो है धर्म को भी आपको आगे लेके चलना, उसको भी आपको प्रचार करना है। तो ये जो है कि इनको सीधा सीधा ऑर्डर दिया गया इस चीज़ का, इनसे सीधा कहा गया कि आपको प्रौद्योगिकी की जो है बहुत और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है प्रौद्योगिकी के लिए आपको उस एरिया में। अब ये जो पॉलिटिकल कॉमर्शियल और जो धर्म का प्रचार करने का तो इनसे कहा गया, और इनको एक डायरेक्ट ये चीज़ भी कही गई जो मुस्लिम ट्रेड सीज़ करना है, जो भी मुस्लिम ट्रेडिंग सेंटर हैं जैसे कि हो गया हमारा मलक्का हो गया, एडन हो गया, जो आपकी बुक में लिखा गया है आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ों को आपको क्या करना, सीज़ करना है। इसको सीज़ करने से क्या हो जाएगा, मुस्लिम की चीज़ों को हम सीज़ कर लेंगे तो मतलब कहीं ना कहीं हम मुस्लिम जो ट्रेडर्स हैं हम उनको धीरे धीरे करके कम कर रहे हैं और हम अपना जो है एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो डायरेक्ट ऑर्डर दिया गया कि भी मुस्लिम ट्रेड सेंटर है आपको उनको सीज करना है, मलक्का हो गया, एडिन हो गया, ये सीज करना है। और इनको एक सीधी चीज भी कही गई, जो भी आपके सेंटर बन रहे हैं, जो भी आपका सेटलमेंट है उधर पे आपको फोर्टिफिकेशन करना है। सीधा सीधा उनको ऑर्डर इन सब चीजों का लेके दिया गया। बट ये ऐसा कुछ कर नहीं पाते, ऐसा क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जब ये इनकी लड़ाई हो जाती है, इनकी लड़ाई कैसे होती है, नेवल बैटल हो जाती है इनकी, किसके साथ होती है नेवल बैटल, गुजरात के जो नेविगेटर हैं, गुजरात के नेविगेटर प्लस जो इजिप्टियंस हैं, इजिप्टियन की जो आर्मी है वो किसको क्या किसके साथ लड़ाई लड़ती है, वो इन पोर्तुगी के इनके साथ लड़ाई लड़ती है, ठीक है, कहाँ पे नेवल बैटल होती है ये। तो उसमें क्या होते हैं, पोर्तुगी डिफीट हो जाते हैं, जिसमें से जो इनके लड़के हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं, जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है उनके लड़के ख़त्म हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे इनकी इजिप्त की आर्मी ने और गुजरात की आर्मी ने इनको ऐसा डिफीट क्या कारण था कि इनके अगेंस्ट पे लड़ाई लड़ी, वो ये कारण था क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि उनके जो एरिया पे कोई दूसरा इंसान आए, उनके एरिया पे कोई और भी ट्रेड करे, तो ये चाहते थे कि उस एरिया पे कोई भी ट्रेड ना कर पाए, तो इनकी लड़ाई हो जाती है। और आप इतनी अच्छी पोजिशन पर हो, आप आगे बढ़ रहे हो, काफ़ी अच्छे से पोर्तुगीज जो है अपना सेटलमेंट कर रहे थे, इतने आगे बढ़ रहे थे, तो कोई भी नहीं चाहता था कि इतने आगे बढ़ पाए और ट्रेडिंग जो है अपनी उंगली दे पाए इस ट्रेडिंग में, उनका सीधा मतलब यही था। बट फिर भी क्या है कि ये हार तो भले ही जाती है लेकिन 2 साल बाद फिर से लड़ाई लड़ते हैं और ये जीत जाते हैं। तो ये जो है इतना सेटलमेंट नहीं कर पाते, ब्लू वाटर पॉलिसी ये देते हैं, और ब्लू वाटर पॉलिसी मैंने आपको समझाई दी है, ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या कहते हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट कौन आते हैं, वो होते अल्फेंजो आते हैं। अल्फेंजो जो होते हैं इनका जो मेन जो था अबॉलिशिंग ऑफ सती, अबॉलिशिंग ऑफ सती मतलब सती प्रथा को ये बंद कराते हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ थी इनकी, इन्होंने जो कहा। अकबर ने भी काफ़ी कोशिश की बट वो नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने जो है जैसे ही ये गोवा पे आप देखेंगे, जैसे ये अपने गोवा को सीज़ कर लेते, गोवा को अपने अंडर ले लेते हैं, उधर पे ये साफ साफ कह देते हैं कि सती प्रथा बिल्कुल भी बंद हो जाएगी। आप फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद फिर अल्फेंजो आते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो है सक्सीड करते हैं, किसको, फ्रांसिस्को को सक्सीड करते हैं, ये आगे बढ़ते हैं और ये जो होते हैं ये प्रॉपर सेटलमेंट कर पाते हैं। जो जिम्मेदारी फ्रांसिस्को को दी गई थी, किंग ऑफ पोर्तुगी ने दी थी, वो क्या कौन पूरी करता है, वो अल्फेंजो पूरी करते हैं। ये क्या करते हैं, इनकी एक सबसे अच्छी चीज़ जो थी, इन्होंने क्या किया, जैसे ही गोवा को अपने अंदर ले लेंगे, जैसा हम अभी पढ़ेंगे, तो इन्हें अबॉलिशिंग ऑफ सती प्रथा कर दी थी, सती प्रथा इन्हें क्या कर दी थी, बंद कर दी थी। अकबर ने भी काफ़ी कोशिश करी थी सती प्रथा बंद करने की, लेकिन ये सती प्रथा बंद नहीं हो पाती है। लेकिन जैसे ही गोवा पे कंट्रोल कर लेते हैं तो ये क्या कहते हैं कि ये अब सती प्रथा बंद हो जाएगी, इस एरिया में सती प्रथा नहीं रहेगी। ये क्या करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग पोजिशन और भी स्ट्रांग पोजिशन क्रिएट कर देते हैं पोर्तुगी की। ये क्या करते हैं, गोवा को कैप्चर कर लेते, गोवा को जो है ये अक्वायर कर लेते गोवा के लिए फ्रॉम दी सुल्तान ऑफ बिरजापुर। सुल्तान ऑफ दी बिरजापुर के अंडर में था गोवा, जिसको क्या कर लेते हैं, ये उनसे लड़ते हैं और जीत लेते हैं और गोवा को क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। और गोवा को जैसे ही ये कर लेते हैं, ये क्या करते हैं, सती प्रथा को बंद करा देते हैं। तो जैसे ही गोवा को एक्वायर कर लेते हैं एंड नॉर्थ प्रोविंस को ये एक्वायर कर लेते हैं, तो ये क्या करने लगते हैं फिर, ये जो है जैसे रोड बनाने लगते हैं उस एरिया पे, इरिगेशन की नए नए काम करते हैं, टबैको के प्लांट्स का, टबैको के जो पेड़ थे वो लगाने लगते हैं, ये सारी चीज़ें वो करने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद फिर इनको सक्सीड कौन करते हैं, न्यानो दी चुहान
प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी, शायद कुछ दूसरा भी हो सकता है। ये जो पोर्तुगी का पहले हेडक्वार्टर था वो कोचिन में था, तो वो क्या किया इन्होंने शिफ्ट कर दिया गोवा में। अब इनकी ये क्या करते हैं कि इनके टाइम पे क्या होता है, बहादुर शाह जो थे, बहादुर शाह की लड़ाई होती है किसके, हुमायूं के साथ लड़ाई होती है। अगर आपको पता याद आ रहा हो तो हुमायूं जो थे वो क्या थे, अकबर, वो थे किसके, बाबर के बच्चे थे हुमायूं। तो हुमायूं जो थे उन्होंने क्या किया कि उनकी उनकी लड़ाई और किसकी, बहादुर शाह ऑफ गुजरात की, गुजरात गुजरात के थे जो बहादुर शाह, उनकी लड़ाई चल रही थी। तो बहादुर शाह ने सोचा कि क्यों ना मैं पोर्तुगी के लोगों को, जो पोर्तुगी की ये हैं लोग आए हैं सेटलमेंट कर रहे हैं, इनसे मैं हेल्प मांग के हुमायूं को क्या है डिफीट कर दूं, कुछ लालच देखे और मैं जो है हुमायूं को डिफीट कर दूं। अगर मैं हुमायूं को डिफीट कर देता हूं तो मुझे जो हुमायूं की जो भी चीज़ें थी वो मुझे मिल जाएंगी। इस लालच में क्या है, बहादुर शाह ने बोला पोर्तुगी के लोगों से कि आप मेरे साथ मिल जाइए, और पोर्तुगी के जो लोग हैं वो इनसे मिल जाते हैं। तो बहादुर शाह ने क्या कहा कि अब पोर्तुगी के जो, पोर्तुगी जो है जो लोग हैं वो ऐसे नॉर्मली तो किसी की हेल्प कर नहीं देंगे, वो तो इधर पे ये चीज़ तो करने आए नहीं, उनका भी कुछ लालच होगा। तो जो बहादुर शाह थे उन्होंने कहा कि बसीन का जो एक एरिया है, बसीन का जो ये एक बसीन जो एरिया है, आइसलैंड है ये, आप ये है इसको रख लीजिए, आप उसको रख लीजिए, जो भी इधर से रेवेन्यू आएगा, जो भी आप कलेक्ट करेंगे वो आप ही रख लीजिए इसके लिए। तो जो है पोर्तुगी के लोग इनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन बहादुर शाह और पोर्तुगी के लोग जब इनके ऊपर, हुमायूं के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, तो क्या है हुमायूं, क्या हुमायूं खुद ही बैकआउट कर लेते हैं और वो चले जाते हैं। अब जो है पोर्तुगी के लोग, पोर्तुगीज़ में और जो है बहादुर शाह के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी खटपट होने लगती है धीरे धीरे करके। न्यानोदी चुहा जो होते हैं ये क्या बुलाते हैं, उनको बुलाते हैं गुजरात के जो बहादुर शाह के लिए बुलाते हैं कि आपको मैं एक डिनर पे बुला रहा हूँ, पोर्तुगी की शिप में बुलाता हूँ मैं आपके लिए, और ये क्या करते हैं उनके लिए मार देते हैं। तो जो नैनोदी चूहा होते हैं ये और इंक्रीज़ करने की सोचते हैं पोर्तुगी के इन्फ्लुएंस के लिए इन बंगाल, बंगाल बाय सेटलिंग मैनी पोर्तुगीज नेशंस, क्या करते हैं बंगाल के एरिया में काफ़ी ज़्यादा सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं ये। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कि क्या फेवरेबल कंडीशंस थी जो पोर्तुगी को मिल गई थी इधर पे सेटलमेंट करने के लिए, और आगे जो भी चीज़ें थी हम वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।